कैश प्राइस भी हम देते हैं 51 चंबा हिमाचल हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी काफ़ी है और इनका काफ़ी योगदान है कि उन्होंने अपनी कला के द्वारा काफ़ी नाम जो है चंबा का फैलाया है। तो मैं इस शिल्प परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्री विजय शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वो माननीय नीर जी के सम्मान में दो शब्द कहें। माननीय विधायक महोदय श्री नीरज नैयर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से कुछ क्षण हमारे लिए निकाल के हमें गौरवान्वित किया है। दरअसल हमारी जो संस्था है शिल्प परिषद, वो शिल्पियों चंबा के और कांगड़ा के जो शिल्पी हैं हमने मिलकर बनाई थी और पिछले कई वर्षों से हम कलाकारों को सम्मानित करते रहे हैं। दरअसल जैसे कि अभी अनिल बाड़ुआ जी कह रहे थे कि चंबा एक सांस्कृतिक नगर है और यहाँ की जो हमारी कला धरोहर है वो हज़ार साल पुरानी है और उसमें भी कई विधाएं हैं। मूर्ति कला है, धातु का काम है, पत्थर का काम है, लकड़ी का काम है, चंबा रुमाल है, पेंटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाकी जगह ये कलाएँ ख़त्म हो गई हैं मगर चंबा एक ऐसा हिमाचल का नगर है जहाँ पर अभी भी ये कंटिन्यूटी में ये कलाएँ हैं। और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा भी जो शिल्पियों को पुरस्कार मिले हैं वो चंबा से मिले हैं। मगर जो लोग काफ़ी जद्दोजहद के बाद किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं तो सब उनकी जय जयकार करते हैं, मगर जब कलाकार इन द मेकिंग होता है, जब वो उसकी जो प्रतिभा है वो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उस वक्त उसको प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो इस दृष्टि से हमने ये निर्णय लिया था कि जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, प्रोमिसिंग आर्टिस्ट हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं जो अभी जिनको जरूरत है कुछ मंच देने की, हम उन लोगों को हमेशा हाईलाइट करते हैं। पिछले कई सालों से हमने बहुत सारे नवोदित कलाकारों को सम्मानित किया है और इसको हम कला निधि पुरस्कार बोलते हैं। ये कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए है और इस सिलसिले में हमने पिछले साल अनाउंस किया था कि 3 लोगों को पुरस्कार देंगे, उसमें से 2 तो हिमाचल के हैं, 1 कांगड़ा से पेंटिंग की है, 1 चंबा रुमाल की महिला कलाकार है और 1 गुजरात के आर्टिस्ट थे वो किसी कारण यहाँ आ नहीं पाए। तो आज हम 2 कलाकारों को समारोह में सम्मानित करने जा रहे हैं। शिल्पकार परिषद के अध्यक्ष विजय शर्मा जी और जनरल सेक्रेटरी अनिल भारद्वाज जी का जो है मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और मुझे आज उन्होंने यहाँ इस मौके पे बुलाया है और एक बहुत ही अच्छा काम जो है ये लोग कर रहे हैं। खुद भी विजय शर्मा जी जो हैं पद्मश्री रहे हैं और अभी इनसे मेरी बातचीत भी हो रही थी तो इन्होंने बताया कि हर वर्ष जितने भी अच्छे शिल्पकार हैं प्रदेश के अंदर, चाहे वो चंबा के हैं चाहे वो अन्य कांगड़ा के हैं, तो अपने हिसाब से लोगों के अंदर प्रतिभा देख के जो इनको लगता है कि जिन लोगों को
प्रमोट कर सकें, तो अपनी तरफ से जो है ये अपना कार्य जो है करते रहते हैं। और आज उन्होंने मुझे पिछले कल से मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आपने जो है ये उनको जो है शॉल टोपी और जो भी अन्य चीज़ें हैं उनको पुरस्कृत करना है। तो एक सराहनीय कार्य जो है ये शिल्पकार परिषद कर रहा है, और मुझे लगता है कि सरकारी तौर पर तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने स्तर पर लोग जो हैं हमारा शिल्प है चंबा का, या हमारी चंबा की पेंटिंग्स हैं, हमारी कांगड़ा पेंटिंग्स हैं, हमारा चंबा का रुमाल है, अन्य जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी धरोहर है पुरानी, उसको ये लोग जो हैं संजोए रखे हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग जो है स्वयं अपनी तरफ से जो है लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि जो टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट इधर उधर है, और जो लोग जिनको शायद अभी तक पहचान नहीं मिली है, उन लोगों को आगे आने का जो है मौका मिल सके। क्योंकि आप स्वयं जो है आप पद्मश्री हैं, और हमारे चंबा से दो पद्मश्री हैं, एक मेरे ख्याल मैडम मुफीद जी हैं और आप हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि और बहुत लोग होंगे जो बड़े टैलेंटेड होंगे इस लाइन के अंदर, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं आपको आगे आने वाले वक्त के अंदर भी मैं आपको जो है बधाई भी देना चाहूँगा, और मेरी ओर से अगर कोई आपको सहायता चाहिए किसी भी लेवल पर, क्योंकि ये अपने लोगों के लिए है, और जो चंबा का हमारा आर्ट है, हमारा कल्चर है, और अन्य ऐसी जो चीज़ें हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हैं, तो ये चीज़ें जो हैं इनको जो है प्रख्याति मिलना जो है बहुत ज़रूरी है। और आपके सौजन्य से बेशक है कि ये छोटा सा फंक्शन है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर शुरुआत जो है वो छोटी सी होती है, और एक छोटी शुरुआत से ही जो है प्रदेश भी आगे बढ़ता है, और लोगों को भी जो है आगे आने का जो है मौका मिलता है। और ऐसे आप जैसे बुद्धिजीवी लोग समाज के अंदर बैठे हैं, और अपने अपने तरीके से जो है आप लोग काम कर रहे हैं, बिना किसी व्यक्तिगत फायदे के बिना जो हैं आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये सराहनीय कार्य है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज मुझे यहाँ मौका मिला। और जैसे कि अभी आपने यहाँ तीन व्यक्तियों को, एक तो कांगड़ा पेंटिंग से रिलेटेड हैं, और एक जो है चंबा रुमाल के शिल्पी हैं, तो मैं यही आशा करता हूँ कि आज ये लोग जो यहाँ आए हैं इससे जो है ये प्रोत्साहित होंगे, और आने वाले वक्त के अंदर जो है आप लोग जो है, जैसे आपने इन्होंने तो अपनी पेंटिंग दिखाई तो बहुत अच्छी लगी, और मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ऐसा मानना है कि इन चीज़ों की जो मार्केटिंग है आज भी मुझे लगता है उस लेवल पर है नहीं जहाँ जिस लेवल पर होनी चाहिए। आप राजस्थान के अंदर जाके देखोगे उनका जो कपड़े का व्यापार है, चाहे वो स्टैम्पिंग है कपड़े के ऊपर, तो वो एक बड़ी लार्ज स्केल के अंदर जो है ये काम हो रहे हैं। लेकिन चलो, आप लोगों की सहायता से आने वाले वक्त के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि और भी जो चीज़ें हैं आप लोग जो है प्रमोट करेंगे, आपके सरकारी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर ये आप जो है अपनी, चाहे वो आपकी पेंटिंग्स हैं, चाहे आपके चंबा के रुमाल हैं, क्योंकि अभी आपकी जो प्रोडक्शन है मेरे ख्याल से वो बहुत कम है। आप जैसे आपने बताया, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग जो हैं इस लेवल की पेंटिंग्स बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसको फाइनेंशियली वाइबल करने के लिए भी आपको ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ दो चार लोग इसको कर रहे हैं तो आप इसको पूरे तरीके से जो है इसको मार्केट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा बनेगी, और उसी लेवल की बनेगी और उसी क्रिएटिविटी से बनेगी, और ये कढ़ाई और पेंटिंग जो है ये तो एक आर्टिस्टिक चीज़ है, एक व्यक्ति बहुत अच्छी बना सकता है और एक व्यक्ति खराब भी बना सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप हमारे चंबा के अंदर जिन बच्चों के अंदर भी ये टैलेंट है, आप उनको मौका देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, और सरकारी के क्षेत्र में, क्योंकि मैं चंबा का विधायक हूँ, जो भी मेरे से जो है
आप मदद मांगना चाहें और मैं आपके कार्य में किसी काम आ सकूं तो मैं अपने आप को जो है सौभाग्यशाली जो है समझूंगा। एक बार फिर से जितने भी आज लोग यहाँ आए हैं जो पुरस्कृत हुए हैं उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ख़ास तौर पर विजय जी को और अनिल भगवत जी को कि जिन्होंने जो है ये कार्य जो है आज किया और हर वर्ष करते आए हैं। आपको भी जो है मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई।